हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इसकी हमारी यूनिट फोर्थ स्टार्ट हो चुकी थी। तो यूनिट फोर्थ में हमने एक लेक्चर देख लिया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें एंड आगे इस लेक्चर को आप देखें फिर से। तो स्टेप वाइज स्टेप चलिए हमारे साथ जिससे आपके सभी टॉपिक कवर हो जाएं। अब हम स्टडी कर रहे हैं यूनिट फोर्थ में रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में आपको पता नहीं होगा, तो आगे हम स्टडी करेंगे इसके टाइप्स, मतलब टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, दिस इज द टॉपिक। तो फाइव टाइप हमारे इस सिलेबस में दे रखे हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन के, लेकिन हम इन सभी टाइप्स को अलग अलग चैप्टर्स में हम स्टडी करेंगे, अलग अलग लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन और एक टाइप को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देख लेते हैं क्या है रेडॉक्स टाइट्रेशन। आर मेनली क्लासिफाइड इन सिक्स मेजर टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट यूज एनी आर देयर। सिक्स होते हैं बेसिकली जो रेडॉक्स टाइट्रेशन, उसको सिक्स टाइप में डिवाइड किया गया है, लेकिन हमारे सिलेबस में दे रखा है ओनली फाइव टाइप्स। कौन कौन से हैं? सेरीमेट्री, आयोडीमेट्री, ब्रोमेटोमेट्री, डाइक्रोमेटोमेट्री, टाइट्रेशन विथ पोटेशियम आयोडेट। तो जो ये पांच टाइप्स दे रखे हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन के, इनको अच्छे से आपको याद रखना है। कोई सा भी पॉइंट उठा के आपको पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि फाइव मार्क्स में ही पूछे आपको डायरेक्ट। आप को सेरीमेट्री के बारे में पूछ ले, डिफाइन सेरीमेट्री, डिफाइन डाइक्रोमेटोमेट्री, तो आप उसके अंदर क्या लिखेंगे वो आपको पता होना चाहिए। तो सेरीमेट्री पे आ जाते हैं हम, इसके बारे में आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो सेरीमेट्री के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो इतना आपको लिखना है, टू मार्क्स में पूछा जाए तो इतना ही आपको लिखना है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि इसके अंदर टाइट्रेशन कैसे होगी, क्या बनेगा, यही इसके अंदर लिखा हुआ है। द टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग सेरिक अमोनियम सल्फेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अंदर सेरिक अमोनियम सल्फेट होगा जो किसके रूप में यूज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, रिडक्शन जो होता है उसमें हेल्प करते हैं। इज नोन एज सेरीमेट्री इन्वॉल्विंग, मतलब कि ऐसी टाइट्रेशन जिसके अंदर सेरिक अमोनियम सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं सेरीमेट्री। सेरिक अमोनियम सल्फेट इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एसिड मीडियम। तो इतना आपको लिखना है टू मार्क्स में, अगर फाइव मार्क्स में आता है तो आपको कंप्लीट इसका प्रिंसिपल, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको लिखने होते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है इसका वो देख लीजिए। सेरिक साल्ट सॉल्यूशन हैज ब्राइट येलो कलर। जो सेरिक साल्ट बनेगा उसका जो सॉल्यूशन होगा वो ब्राइट कलर का होता है ऑन रिडक्शन, और जब इसका रिडक्शन हो जाएगा तो मतलब किसके अंदर, सेरस साल्ट में अगर इसका रिडक्शन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसका कलर मतलब ये कलरलेस हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें इंडिकेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। देयरफॉर इट इज इजी टू डिटेक्ट, इसलिए हम इजीली इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कलर होता है पहले तो, देन जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो कलर लेस हो जाता है, तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हाँ कलर लेस हो चुका है सॉल्यूशन और हमारा रिजल्ट आ चुका है। देयरफॉर इट इज इजी टू डिटेक्ट एंड पॉइंट इन स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, बट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसमें एक्चुअली हमें कलर दिखाई नहीं देता है, उस कंडीशन में हमें इंडिकेटर का यूज करना होता है। फॉलोइंग चेंज टेक्स प्लेस ऑन रिडक्शन ऑफ साल्ट इन एसिड सोल्यूशन। क्या चेंज होगा जब रिडक्शन होगा, अब रिडक्शन कैसे हो रहा है, आपको ये कंडीशन याद होगी अगर पिछली वीडियो अगर आपने देखी थी, कौन सी कंडीशन है, इसमें हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें हो रहा था, रिडक्शन में लास्ट रिएक्शन हमने देखी थी उसमें इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा था, तो मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसमें ये हमारा सेरस साल्ट बन रहा है।
ये रिएक्शन इसके अंदर बेसिकली इन्वॉल्व होगी, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन रिएक्शन इसके अंदर हमारी हो रही है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट होगा तो हमारी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन होगी, ऑक्सीडाइजिंग रिडॉक्स टाइट्रेशन। सेरीमेट्री हैज वेरियस एडवांटेज ओवर परमैग्नेटोमेट्री और डाइक्रोमेटोमेट्री, जो टाइप है रेडॉक्स टाइट्रेशन के, परमैग्नेटोमेट्री और डाइक्रोमेटोमेट्री, इसके ज़्यादा बेनिफिट, मतलब इससे ज़्यादा एडवांटेज क्या है इसके सेरीमेट्री के, वो देख लीजिए। फर्स्ट है सॉल्यूशन रिमेन स्टेबल ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड, जो सॉल्यूशन इसका होता है वो प्रोलॉन्ग पीरियड तक स्टेबल रहता है, एंड देयर इज नो नीड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, से प्रोटेक्ट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसके अंदर। सेरीमेट्री इज केपेबल ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन हाई कंसेंट्रेशन ऑफ HCl, मतलब कि हाई कंसेंट्रेशन में भी ये रिड्यूसिंग जो एजेंट होते हैं उनको डिटरमाइन कर लेता है सेरीमेट्री। ऑन रिडक्शन ऑफ क्रोमियम ओनली सेरस इज प्रोड्यूस, वाइल पर मैग्नेटोमेट्री मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू एनी वन ऑफ इट्स सर्वल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि इसमें ओनली एक ही जो मेन वर्क होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन जो परमैग्नेटोमेट्री है उसके अंदर अदर जो एलिमेंट्स होते हैं मैग्नीज ऑक्साइड के अलावा उनको भी ऑक्सीडाइज कर देता है। अब आ जाते हैं हम इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एप्लीकेशन ऑफ सेरीमेट्री, तो डिफरेंट डिफरेंट इसके एप्लीकेशन है कि सेरीमेट्री का हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट है फेरस फ्यूमरेट कैन बी असेड बाय यूजिंग सेरीमेट्री, जो फेरस फ्यूमरेट है उसका असे बेसिकली सेरीमेट्री के द्वारा ही किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ एसिटोमेन नेफ्थोन कैन बी मेड बाय सेरीमेट्री, जो एसिटोमेन नेफ्थोन है उसका डिटर्मिनेशन सेरीमेट्री के द्वारा ही किया जाता है। कॉपर एंड मोलिब्डेट आर आल्सो डिटरमाइंड बाय यूजिंग सेरीमेट्री, जो कॉपर्स और मोलिब्डेट है वो बेसिकली इसके द्वारा ही डिटरमाइन किए जाते हैं। वेरियस फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस और डोजेस फॉर्म कैन डिटरमाइन बाय यूजिंग सेरीमेट्री, जो डिफरेंट डिफरेंट फार्मास्यूटिकल ड्रग्स टेबलेट्स हैं जो बेसिकली इसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है। कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर लिए हैं, फेरस ग्लूकोनेट टेबलेट, फेरस सक्सीनेट टेबलेट, पैरासीटामोल टेबलेट, एस्कॉर्बिक एसिड टेबलेट, इसके अलावा और अदर डिफरेंट डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स आती हैं जिनका डिटर्मिनेशन बेसिकली बाय यूजिंग सेरीमेट्री किया जाता है। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ सेरीमेट्री। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर कंप्लीट समझ में आया होगा, सेरीमेट्री आपका क्लियर हो चुका है। तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टाइप है हमारा उसको, तो तब तक बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।